नमस्कार सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। प्रिंस गोट फार्म कड़ेल, अजमेर से 25 किलोमीटर पड़ता है कड़ेल जी। बड़ा फार्म। और पुष्कर से कितना दूर होगा सर? 6 किलोमीटर पड़ता है। पुष्कर से 6 किलोमीटर दूर। हाँ जी। क्या दिखा रहे हैं आज आप? सिरोही बकरी दिखा रहा हूँ मैं जी। चलिए, तो जो आपने पकड़ रखी है इसी से शुरू करते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा इन्हीं के बारे में बताइए। जैसे ये बकरी है, ये कितने दिनों की हो गई और क्या इसका, जैसे ये बच्चे वाली है, ये प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट बकरी है। कितने महीने की प्रेग्नेंट होगी सर ये? 3-4 महीने प्रेग्नेंट है। 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट। मीना खान में जाएगी। कौन सी, सेकंड टाइम है कि थर्ड टाइम? दूसरी बार। सेकंड, दूसरी बार देगी। बहुत अच्छी बात है। कितने दांत पे है सर ये? 4 दांत पे। 4 दांत पे। हाँ जी। दूसरी बार, पहली बार कब क्रॉस कराया था आपने? कितने दांत पे? 1 साल भर के बाद में क्रॉस होती है। 1 साल भर के बाद में क्रॉस होती है। कितने वजन पे होगी लगभग ये? होगी 50-60 किलो अंदाज़ से। 50-60 किलो। कलर बहुत बढ़िया लग रहा है, पैटर्न बहुत बढ़िया लग रहा है, आप देखिए इसको। जानदार बकरी है, इसको फुल फ्रेम आप देखिए, बहुत बेहतरीन लग रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। ये प्रेग्नेंट बकरी है सिर्फ। ये कितने दांत पे? ये 2 दांत की है। 2 दांत। पहली बार बच्चा देगी? दूसरी बार। हाँ, पहली बार। पहली बार। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। कुछ और बकरियां खड़ी हैं इस टाइम इस तरफ पे। ये लो जी अजमेरी, ये भी शुरू में आती है। बिल्कुल, इसे थोड़ा सा इस तरफ ले आइए सर, बहुत बढ़िया लग रही है। क्योंकि ये देखिए, ये कितने दांत पे है साहब? ये थोड़ा सा दिखाइए। ये 6 दांत पे है। ये 6 दांत पे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या तीसरी बार बच्चा देगी? तीसरी बार। हाँ जी, बहुत जल्दी क्रॉस करा दी थी पहली बार। बकरा जता मिल रहता हो जाती है क्रॉस, मतलब पहले छोटे में ही क्रॉस हो गई थी। साल भर के होते क्रॉस हो जाती है, अब ये साल भर की बकरी है, क्रॉस होगी। हाँ हाँ, ये देखिए, उसके बाद जैसे छोटी खड़ी है। तो ये कितने वजन पे होगी सर? ये 50 तो हैवी लग रही है। 50-60-70 किलो हो जाएगी। हाँ हाँ, और ये जैसे आप ये बता रहे हैं छोटी सी। हाँ, ये छोटी है, 30-35 किलो आएगी। हाँ हाँ, 30-35 किलो का वजन है इसका। हाँ, आप देखिए, ये देखो 2 दांत में ये। हाँ बिल्कुल, 2 दांत पे इसने पहली बार क्रॉस हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बिल्डर है, ये बिल्डर है जी, ब्रीडर। ये बिल्डर है, इससे क्रॉस हुई है सब। हाँ हाँ, 2 दांत बकरा है ये। तो अभी तो ये तैयार कर रहे हैं ना इसको। हाँ, ये अभी काम देगा अपना, अगले साल तक हो जाएगा ये सब। ये 1 साल तक क्रॉस होगी, अगले साल और क्रॉस हो जाएगी इससे। कितने दिनों तक रखते हैं एक बकरे को अपने? 3 साल तक। 3 साल तक रखते हैं। 3 साल बाद में अच्छा होता है उसको निकाल देते हैं, फिर ये छोटा वाला तैयार हो जाएगा। अच्छा, छोटा वाला कितने इधर गया? तो ये बकर इन्हीं बकरियों में से रहता है कि कोई बाहर से लेकर? इसी बकरे के रहते हैं, इसी बकरे का बच्चा और हो जाएगा। हाँ, इसी पे रख लेते हैं क्रॉस जाने। अच्छा चलिए, देखो अगले साल पर ये बकरा हो जाएगा क्रॉस लेने के लिए। हाँ, ये तैयार है छोटा वाला। अच्छा, पर ये छोटा वाला हो जाएगा यार, बच्चा ये 6-7 महीने का बच्चा ये। 6-7 महीने का। हाँ, गजब, बहुत बढ़िया है इसका। आप देखिए, ये देखो ये बकरी, ये प्रेग्नेंट बकरी है सब, इससे क्रॉस हुई है। ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है? ये 15-20 दिन ब्याने वाली है। ब्याने वाली है? हाँ, 5 से बच्चा देने वाली है 15-20 दिन में। बहुत बढ़िया। कुछ पार्ट हैं सर, वो भी दिखाते चलिए। ये देखो, ये 4 दांत में ही। 4 दांत में, बहुत बढ़िया। कितने दिनों की प्रेग्नेंट है ये? ये 3-4 महीने मीना खाने में भी बच्चा दे देगी। ये छोटी बच्ची है, देखो ये 2-3 महीने की बच्ची है। क्या वजन होगा इसका? इसका अंदाज होगा 18-20 किलो। 18 से 20 किलो। हाँ, 3 महीने का बच्चा है ये। तो सर, जैसे ये वाला बकरी आप जो पकड़े हुए हैं, इसका क्या रेट रखते हैं आप? ये 250 पड़ेगी। 250 रुपये केजी के हिसाब? हाँ जी। और जैसे ये इस उम्र के जो छोटे बच्चे होते हैं, हाँ जी, बकरे जो मेल कहलाते हैं, उनका क्या रेट? वो 250 लगा देंगे। वो भी 250 लगा देंगे। और जो अभी आप बकरियां दिखा रहे हैं, बकरे भी 250 लगा देंगे बड़ी।
बड़ी छोटी सब सब 250 लगा देंगे। 250 लगा देंगे। जैसे अगर ये बड़े बकरे लेना चाहता है कोई ब्रीडर, ये बड़ा बिल्डर, आपको 300 का पड़ेगा। ये 300 रुपये के जी के? हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस तरफ देखिए, मैं और इस तरफ दिखा देता हूँ आपको। इस तरफ दिखाइए, ये दलिया खाती है, जो का दलिया होता है। अच्छा, अभी ये जौ का दलिया, बाजरा का दलिया सब मिक्स में खाती है। ये देखिए सारी बढ़िया, ये दलिया ही डाला हुआ है। जौ का दलिया है, बाजरा का दलिया सब मिक्स में मिला के इनको खिलाना पड़ता है। पर बकरी के हिसाब से लगभग कितना डालते हैं? 250 ग्राम के अंदर डालते हैं एक पाव। एक बकरी को 250 ग्राम। बहुत बेहतरीन दोस्तों। भेड़ बकरी दोनों है यहाँ पर। अगर आपको ये बकरियाँ पसंद आई हों तो बिल्कुल आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाजिब रेट भी इन्होंने बताया है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बकरे हैं, भेड़ हैं और बड़े बकरे भी इनके पास हैं। तो अगर आपको ये बकरियाँ, ये है ना, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए है तो बिल्कुल आप इनसे साझा कर सकते हैं, है ना, और इनसे पूछ सकते हैं।